जी अच्छा वो जैसे हम कह रहे थे कि लास्ट वाला स्टेप इसमें थर्ड वन जी इंट्रोड्यूसिंग द वेरिएबल दैट माइट बी रिलेट टू दी वी एस्टेब्लिशिंग गैप अच्छा जी इश्यूज एंड प्रॉब्लम थोरी ऑन द डीवी प्रीवियस प्रैक्टिकल गैप ऑन दैंपल यह है कि आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर कितने आईवीज का रिसर्च हुई हुई है ये पार्टिकुलरली अब हम कर रहे हैं कंसेप्चुअल गैप बैदेप्चुअल प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं कंसेप्चुअल गैप ठीक है जी तो

फॉर्म परफॉर्मेंस बढ़ सकती है ठीक है इसी तरह हम हम कह सकते हैं जनाब जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसका भी एक इशू इशू था बहुत ज्यादा होते थे बिटवीन या गैप बहुत ज्यादा था बिटवीन मैनेजमेंट एंड द इम्प्लॉयज ठीक है जी वो गैप को कम किया जाए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए ठीक है उसकी वजह से भी इम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बढ़ सकती है मैंने कुछ सिर्फ एग्जाम्पल्स दी आपको चले जी इन फाइंडिंग रिसर्च गैप स्टूडेंट विल स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस दियर आईवी अच्छा जी इट कुड स्टार्ट विद द मॉडल थ्यूरी ऑफ द डीवी हाँ मॉडल थ्यूरी से भी हो सकता है थ्यूरी के बारे में बताऊंगा बार्टिक्यूरी थ्यूरी क्या होती है और थ्योरोटिकल एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है फॉलो द सेवन अच्छा जी सेवेंटी थर्टी स्टडी क्या है जी कहते सेवेंटी परसेंट थ्योरी नॉलेज होता है जो आप लिटरेचर रिव्यू से ले रहे होते हो आप ठीक है थर्टी परसेंट प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर रहे होते हो करंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हो या इवन के आपको लिटरेचर रिव्यू से भी ये मिल रहा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या हम यूं कह सकते हैं कि जी जो 70% है वो हम कंसेप्चुअल से आ रहा होता है और 30% जो है हमारा वो प्रैक्टिकल से आ रहा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अच्छा जी हम वो 70% थ्योरी के एग्जांपल वो बता रहा है जी बेसिक मॉडल ऑफ द एम्प्लॉइज टर्नओवर हैज रिवील्ड टू मेजर फैक्टर इन रिटेनिंग एम्प्लॉइज नेमली ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इंडिविजुअल फैक्टर्स ठीक है जी अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स ये क्या है जनाब ये आईवीज हैं रिटेनिंग एम्प्लॉइज क्या है जी डीवी है

quality of education and lack of creativity among individual employees had become the reason of migrations among malaysian especially plank skill worker to kya ab quit kar rahe the skill worker ye practical problem hai na companies in penang need to make sure their employees chale dusri main dekhta hu agar mere thesis ki agar example mil jaye एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड स्टडी भी है कि लिमिटेड स्टडी है इसके ऊपर ये भी गैप है As it is important to retain skilled employees ऑफ फॉर मलेशिया सेमी कंडक्टर

अमेरिका में हुई थी लेकिन पाकिस्तान में नहीं कम स्टडी हुई लिमिटेड स्टडी क्योंकि अमेरिका का कल्चर डिफरेंट था वहाँ वो डिफरेंट व्यूज हैं उनकी सोच है उनकी फैसिलिटीज हैं उस लिहाज से वो रेक्ट करते हैं यहाँ पे रिसोर्सिस कम है और पॉपुलेशन कम ज्यादा है इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ये भी तो आल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर ना तो डिफरेंट सोच पे इम्पेक्ट करती है तो डिफरेंट रिएक्ट करते हैं यहाँ हम रिसर्च करके देखते हैं वही सेम मॉडल यहाँ पे करते हैं लेकिन ये ओल्ड ट्रेंड हो गया है लेकिन अभी भी वही हम करते होते हैं लेकिन एज इट फ्रेमवर्क अमेरिका में जो टेस्ट हुआ वही हम यहाँ लेकेशन करनी पड़ती है लेके आनी पड़ती है जो कंट्री अपना नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सके दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट एन गैप ठीक है अच्छा जी मिक्स फाइंडिंग की भी एक गैप है जनाब ये भी मैं बता रहा हूं मिक्स फाइंडिंग की भी मिक्स फाइंडिंग क्या होती है कि जी दो आईवी के दरमियान मतलब मोटिवेशन और इंप्लॉई परफॉर्मेंस एग्जांपल बता रहा हूं मोटिवेशन आईवी है इंप्लॉई परफॉर्मेंस आपका डीवी है तो मैंने स्टडी की पाकिस्तान में की मैंने कहा जनाब हाई मोटिवेशन हाई इंप्लॉय परफॉर्मेंस इसी तरह की एक स्टडी अपना इसमें हुई इंडिया में हुई उसने कहा जनाब नो मैं निगलेक्ट करता हूँ रिलेशनशिप ही नहीं है दोनों में ठीक है नहीं एक और स्टडी होती है वो कहता भाई हाई मोटिवेशन बाजुकत आपकी इंप्लॉय परफॉर्मेंस भी कम कर ये तीन डिफरेंट फाइंडिंग्स आ गई सेम फ्रेमवर्क के ऊपर ठीक है तो तो ये मिक्स फाइंडिंग होगी हम इसको भी कह सकते हैं कि अभी तक इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डिवेल्प नहीं हुआ तो दोबारा मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा हूं तो आपको रिव्यूअर रिव्यू करते हैं ठीक है आपने सही काम किया इसको मजीद इनका रिलेशनशिप करें आप ठीक है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का तो हमने वो हो गया हमारा आ, कि कैसे लिखनी है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं बैकग्राउंड ऑफ स्टडी के बारे में बता दिया रिसर्च क्वेश्चन का मैंने आपको ऑलरेडी पहले हमने वो प्रैक्टिस कर ली हुई है ठीक है अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएशन अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन अगर बात करें हैं विच इज नॉट कांस्टेंट कांस्टेंट इज इज नॉट कॉल्ड वेरिएबल्स अच्छा असेसमेंट ऑफ द कांसेप्ट वेरिएबल कैन बी ऑब्जर्व एंड द मैर ठीक है ऑब्जर्व एंड मेजर कर सकते हैं जिसको हम उसको वेरिएबल्स कहते हैं अच्छा जी कांसेप्ट क्या है फ्रूट अब वेरिएबल्स क्या है कितने किस्म के फ्रूट है

एक्स्ट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड एग्रेसिव परफॉर्मेंस इन रोल परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा रोल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वेरिएशन है चले जी थ्रेटिकल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई वेरिएबल दैट डीम रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम थ्रू लिटरेचर सर्वे लिटरेचर हम करते हैं जो मैंने अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी, भी बताया आपको कि किस तरह आपने आईवी इंट्रोड्यूस कराने हैं

डिपेंड कर रहा होता है आईवी के ऊपर ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अब intervening variable and moderating variable के बारे में मैं आपको एक सिर्फ इतना सा बता दूं कि रिलेशनशिप क्या कर रहा होता है क्लियर कर रहा होता है बिटवीन आईवी एंड मैं यहां पे थोड़ी सी कोशिश करता हूं ये देखें इंटरवेनिक वेरिएबल क्या कर रहा होता है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्लियर कर रहा होता है ठीक है क्लियर कर रहा होता है या लिंक जोड़ रहा होता है आईवी का लिंक डीवी तक जोड़ रहा था इसके एग्जांपल हम एक और भी देते हैं बाजुकात कहते हैं जनाबे वाला कि जनाब आईवी का जब रिलेशनशिप डायरेक्टली इसके साथ ना हो डीवी के साथ ठीक है डीवी का एग्जांपल भी देता हूं डीवी के साथ ना हो तो हम क्या करते होते हैं जनाब मीडिएशन मैं माउस से लिख रहा हूं मीडिएशन वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो मीडिएशन वेरिएबल क्या होता है इसका इसके साथ रिलेशनशिप होता है जैसे कि जी ने बात की जनाबे वाला पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक आपस में नहीं है ये वाला डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टूटा हुआ है लेकिन पाकिस्तान का ताल्लुक अमेरिका के साथ बहुत अच्छा है इंडिया का ताल्लुक भी ठीक है अमेरिका के साथ बहुत अच्छा है तो कहते हैं दोनों का मैं दरमियान में मीडिएशन इन दोनों का लिंक बिल्ड करा देता हूं सुलह करा देता हूं दिस इज कॉल्ड मीडिएशन वेरिएबल्स ठीक है एक और एग्जाम्पल बता दू मैं अगर आपको ठीक है वो ये कहता है जनाबे वाला के जो ट्रेनिंग है अगर हम ट्रेनिंग अपने इंप्लॉइज को दें तो इंप्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ती है क्या है जी ट्रेनिंग टी का अल्फाज लिख रहा हूं मैं ट्रेनिंग जो है वो इंप्लॉई परफॉर्मेंस ई पी ईपी इंक्रीज होता है अच्छा जी इंक्रीज होता है लेकिन भाई हाउ कैसे इंक्रीज होता है हाउ हाउ कैसे इंक्रीज होगा तो वो और लर्निंग इंप्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ाएगा डायरेक्ट ट्रेनिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है इसके साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है इंप्लॉय परफॉर्मेंस के साथ ठीक हो गया भाई अच्छा अब अच्छा अब हम आ, अब मोडरेटिंग वेरिएबल्स हम करते हैं जी कि मोडरेशन वेरिएबल क्या है इसकी एक एग्जांपल पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली मोडरेटिंग वेरिएबल जो है ना वो ये होता है आईवी और जो डीवी का रिलेशनशिप है आईवी एंड डीवी का रिलेशनशिप को इंक्रीज कर रहा होता है स्ट्रोंग कर रहा होता है या फिर वीक कर रहा होता है वीक कर रहा होता है वीक ठीक है इसकी वैसे जो मोटी मोटी डेफिनेशन तो यही है मोडरेशन वेरिएबल्स की अच्छा एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊं, वो क्या हुआ जनाब मैंने कहा जी एक थ्योरी है थ्योरी बिल्ड है कि जी आप ज्यादा खाना खाएंगे तो नींद आएगी ठीक है जी खाना के और एन से नींद नींद आएगी पक्की बात है खाना खाएंगे नींद आएगी अच्छा जी सिनेरियो दे रहा हूं स्टूडेंट्स आपने खाना खाया अब वो इमरान साहब का लेक्चर लेने बैठ गया लेकिन उसको नींद नहीं आई क्या हुआ जनाब तो जो वो टीचर का जो था टीचर का जो ट्रेनिंग थी जो टीचर स्टाइल था या टीचिंग स्टाइल था ठीक है जी टीचिंग स्टाइल था टीचिंग स्टाइल ये टीएस लिख देता हूं मैं जो टीचिंग स्टाइल था उसने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया या वीक कर दिया उसको उस दिन क्या हुआ जी नींद नहीं आई तो ये टीचिंग की इंट्रेक्शन जो है इंट्रेक्शन विद द टीचिंग वो क्या हुआ प्लेइंग एज अ मोडरेटिंग वेरिएबल ठीक हो गया हाइपोथेसिस भी हम कहते हैं जी टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू आईवीज ठीक है मतलब आईवी नहीं कहने चाहिए वेरिएबल्स कहने चाहिए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एन अनप्रूवन प्रोपोजिशन दैट इज टेस्टेड इज कॉल्ड हाइपोथेसिस एग्जांपल गिविंग एम्प्लॉज एन इंक्रीमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ फाइव परसेंट विल रिजल्ट इन लोअर इंप्लॉय टर्न ये देखें जनाब इधर अगर हम हैं तो यह है हाइपोथेसिस आर आल्सो इज़ योर रिसर्च क्वेश्चन ये देखें ये और आपके जनाबे वाला हाइपोथेसिस जो है एच जो है वो अलाइन होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन के साथ और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ एम्पेरिकल स्टाइल में होने चाहिए इम्पेरिकल अप्रोच में होने चाहिए अलाइन होने चाहिए ये बाद में इसके फॉर्मेट्स भी आपको मैं दिखा दूंगा ठीक हो गया ये जी एक स्टेटमेंट है इसको हम ये कहते हैं ये थोड़ा सा इक्नोमना मैं बताना चाह रहा था इनके रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम ये करते हैं जी अब थ्योरी की बात करते हैं थ्योरी की बात करते हैं अच्छा इसमें ना दो चीजें मैं बता दूं जो मैं कबल इज वक्त था कबल इज वक्त था कि थेरेटिकल फ्रेमवर्क एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है चलें, वो बाद में भी वो आएगा तो वहां डिफरेंस बता देता हूँ अभी आप थ्योरी समझ थ्यूरी फॉर्मल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट दैट समूड प्रिडिक्शन और हाउ थिंग्स रिलेट टू वन अच्छा गोल्स ऑफ थ्योरी एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग अगर कोई देखना चाहता है तो यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोज भी हैं ये डिफरेंट लिंक्स भी मैंने दिए हुए हैं तो वो इसको एंटर करके भी थ्योरी के बारे में मजीद पढ़ सकता है लेकिन हम फर्दर चलते हैं फोनोमना का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था फिर भी मैं बता देता हूँ जनरल रिजल्ट दैट हैज बीन ऑब्जर्व

अब थ्योरी की एग्जांपल बताता हूं थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं मतलब कि थ्योरीज बेसिकली हम उसको कहते हैं जो एक फोनोना डिवेल्प हो जाए एक हो जाए कि मतलब मोटिवेशन एंड इंप्लॉय परफॉर्मस ठीक है जी मोटिवेशन होगी तो इंप्लॉय परफॉर्मेंस होगी तो हम इसको क्या कहते हैं जनाब एक थ्योरी बिल्ड होगी जनाब मोटिवेशनल थ्योरी अगर ये ऐसे ही प्रूव हुआ एंपेरिकल काफी सारी स्टडी ने इंप्रूव किया इसको प्रूव किया ठीक है अच्छा फर्दर चलते हैं थ्योरी इज अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑफ द इंटरप्रिटेशन वन वन एंड एंड मोर मोर फिनोमेना फिनोमेना ये ये लो ये जो बात कही गई है ये वाकई ठीक है इसको बार बार रिपीट करोगे फर्स्ट टाइम करोगे फिनोमेना इसको बार बार रिपीट करोगे अगर डिवेल्प होगी ये रिलेशनशिप इज खाल थ्योरी इज खाल थ्योरी ठीक है मतलब ये भी तो थ्योरी है ना न्यूटन लॉ ये थ्योरी है भाई ठीक है जी मोशन ये थ्योरी है प्रूव है अच्छा जी वो तो प्योर साइंस की थ्योरी है अब हम सोशल थ्योरी की बात करें अच्छा जी ये वो कहते हैं कुछ इसकी नेचर्स भी हैं थ्योरी की तो एक मिनट हाँ जी अच्छा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी भी है डिस्क्राइब और क्लेरी क्लासिफाइड स्पेसिफिक डायमेंशन कैटेस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप इवेंट्स मेमोराइजिंग

फॉर्मल मैं कहता हूँ आरबीवी एक रिसोर्स बेस व्यू एक है इंडस्ट्रियल थ्योरी इंडस्ट्रियल व्यू ये पूरे कंट्री को फायदा पहुंचा रही होती है ये रिसोर्स बेस क्या है जी वो कहते हैं जनाब अगर आपके पास रियर रिसोर्स होंगे तो आपको कंप्यूटेट एडवांटेज मिलेगा कंप्यूटेट एडवांटेज लीड टू हाई परफॉर्मेंस ऑफ फम तो ये फम लेवल की थी ये तीनों लेवल मैंने आपको बता दिए इतने लेवल की थ्योरीज होती हैं तो इसी तरह आप इसी बेसिस पे आप, आप स्टडी भी उसी, ले, उसी लेवल पे कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो मैक्रो लेवल पे मैसो लेवल पे कर रहे हो या मैक्रो पे कर रहे हो मिक्रो मैसो एंड मैक्रो फर्दर जी चलते हैं अच्छा जी डिवेलपिंग अ थ्योरी हाँ थेटिकल फ्रेमवर्क जी ये आ गई ना बात अब अब यहां पे हमारी बात होगी

कौन से आपको स्टेप्स या अप्रोचेस लेने फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे ठीक है तो मतलब तीन प्रॉब्लम्स दो को है तो दो ही कराने पड़ेंगे ना आपको ठीक है अगर प्रॉब्लम ज्यादा है ज्यादा आप करा सकते हो ठीक है अच्छा फिर ये आप वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा दोगे फिर आप उसको थ्योरेटिकली वेरीफाई भी करोगे इसको थ्यूरी कौन सी सपोर्ट कर रही है ठीक है थ्यूरी कौन सी सपोर्ट कर रही है और वो उस अंडर थ्यूरी के आ भी रहे हैं ठीक है वो फिर कोई लिमिटेड उसके ऊपर स्टडी भी हुई हुई है ये नहीं हुई है वो सारी एजेंशन देखोगे या फिर आप दस भी इंट्रोड्यूस करा दें अगर सारी एक्जशन पे पूरी उतरते हैं वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सारी एजेंशन आपको बताई है ठीक है उस बेसिस पे हम फैसला कर रहे होते हैं कि कितने इसके आईवी डीवी या मीडिएशन मोडरेशन होने चाहिए फ्रेमवर्क जनाब चले मैं कंसेप्चुअल मॉडल में इसको ना आइडेंटिफाई द वेरिएबल ये तो इसने दूसरे बता दी ना पहले मैं आपको बता देता हूँ जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है टिकल फ्रेमवर्क क्या होता है देखें जी वो कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है मैं इधर लिखता हूं कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है वो कहता है आपकी विदाउट एनी सपोर्टिंग ऑफ थ्योरी अपनी लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू आप करते हो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हो जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आप चेक करने जा रहे हो ठीक है उसको हम क्या कहते हैं जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ठीक है वो कुछ भी हो सकते हैं एक आईवी कुछ कुछ हो डीवी कुछ हो मतलब हो डीवी मतलब अलाइन भी तो उसको हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं अब थियटिकल फ्रेमवर्क हम उसको कहते हैं जो थ्योरी को थ्योरी को सपोर्ट करो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैं अभी बताता हूँ इसके एग्जाम्पल फिर आपको समझ आ जाएगी इसमें तो कोई भी आईवी हो मोटिवेशन हो जाए ठीक है जी मैं कहता हूं जी लीडरशिप हो गया मैनेजमेंट स्किल होगी ठीक है जी आपने इधर देखना जी इंप्लॉय परफॉर्मेंस इंप्लॉय परफॉर्मेंस आपने ये फ्रेमवर्क बनाया विद आउट विद आउट विद आउट विद आउट सपोर्टिंग एनी थ्योरी थ्योरी ठीक है विद आउट सपोर्टिंग बट ये वाला जो सोटिकल फ्रेमवर्क है यू हैव टू बिल्ड दिस फ्रेमवर्क अंडर थ्योरी, थ्योरी के बगैर नहीं होगी मतलब एग्जांपल देता हूं क्या जी कल्चर कल्चर जो कल्चर है वो कहता है जी एनवायरमेंट मैं लिख देता हूं ई एन इन्वायरमेंट अवेयरनेस

वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर कह देता हूं अब वेस्ट मैनेजमेंट डेवेल्पिंग में बहुत बुरी है ठीक है डिवेल्प में बहुत अच्छी है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है ना डेवलप कंट्री में ज्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री और दूसरी चीजें उनकी कंजप्शन ज्यादा है लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो आल्सो अफेक्टिंग मैनेजमेंटिंग एनवायरमेंट हम यू भी कह सकते हैं कल्चर मीडिएशन वेस्ट मैनेजमेंट और ये ग्लोबल वार्मिंग सॉरी ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं यू मैं बताता हूं अच्छा अब ये क्या होगा हम कहते हैं कि कल्चरल थ्योरी कल्चरल इक्विटी थ्योरी भी है कोई ठीक है अब वो अब वो क्या है जनाब उस थ्योरी के अंडर आप ये फोनोमुना सारा प्रपोज कर रहे होते हो जैसे अगर आप ये मैंने एक एक मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बात बती परसीव इज ऑफ मूवमेंट लेबर मार्केट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन टू क्विट वॉल जॉब टर्न ठीक है जी ये है जी इक्विटी इन डिसीजन इक्विटी टू पे आप देखोगे आप इसको कौन सी थ्योरी सपोर्ट कर रही है कोई नहीं कर रही तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है अगर इसको कोई कर रही है थ्योरी सपोर्ट तो विल बी आ थोरेटिकल फ्रेम वर्क ठीक है जी थैंक यू वेरी मच फॉर टू डे